ये देखिए, मैं कर रही थी दातुन बाहर खड़े होके, और मैं देवरानी से बात भी कर रही थी इधर चावल चढ़ा के। 1 मिनट। तो ये हमारी फाइनल नमकीन चावल, बोलो इसको या बिरयानी बोलो, जो भी मन हो आपको बोलो। मैंने ऊपर से धनिया पत्ता भी डाल दी और बन गया। कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने ये देखिए क्या ले लिया, मैं अभी बाहर खड़े खड़े नीम के पेड़ के नीचे दातुन कर रही थी। ये बिकने के लिए मैं रोज़ देखती थी इसको, इधर नहीं आता था, आज पहली बार इधर आया था। शॉप में देख क्या खरीदी, कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी। हम लोग तो इसको ये बोलते हैं बुढ़िया के बाल। नहीं, बुढ़िया के बाल तो वो होता था, ये है। अरे इसको बिना दांत वाला खाए, मतलब मुंह में लो और गल जाता है। देख मैंने 3 ले ली, 10-10 रुपए का। एक तू ले ले, खाएगा? कभी खाया है पहले? हाँ यार। अरे एक सब साइज बराबर, ये नाप के देख रहा है, ये वाली है। एक लाडो अंशित के लिए रखती हूँ, शाम को देखूंगी अगर मौका मिलेगा तो। धागा लपेट के उसी में रख देना, अथवा मुझे भी देना। अरे पन्नी फाड़ देनी, इतना क्या है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं इसमें लपेटा हुआ, बड़े ध्यान से क्या हुआ भाई, देखो गांठ क्या हुआ है क्या। और ये खुलने का नाम नहीं ले रहा है, और उधर से। अरे तो फिर डंडी कैसे खोलेगा, खाना तो पकड़ के ही है। और कटिंग तैयार है, पूरा फाड़ दे। मैं भी खाऊंगा, मैं नहा चुकी हूँ। कैसे महादेव जैसे लग रहा है, शिवलिंग जैसे नहीं होते ऐसे लंबे लंबे गोल गोल। देखिए तो खराब कर दिया सब तुमने, इसको ऐसे खाओ, ऐसे निकालना इसको। हाँ डंडी पकड़ ले बस बस। वाह, मुझे भी दे थोड़ा, तू खा के देख, मैं भी खाऊंगी ऐसे करके थोड़ी। मैं इतना बाल ले लिया, इससे सच में गुड़िया का बाल जैसा। गुड़िया नहीं, गुड़िया नहीं। इसलिए ना मैं मुंह में गया कहाँ, मैं बिला गया मुंह में। अच्छा है ना, लाडो तो खा लेगी अंशु का पता नहीं। अरे मुंह में, अरे क्या है ये, बाल की तरह है बिल्कुल। खा ले खा ले खा ले खा ले, सपने खा रहा है। इतना बड़ा बड़ा लेती मुंह में, पता कहाँ गल जाता है। और मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो आप लोग से मिलती हूँ बाद में। हेलो मेरे YouTube फैमिली, तो कैसे हो आप लोग, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन ब्लॉगर लाखी झा में। और आज मैं बना रही हूँ, शाम का टाइम है जैसे रोज होता है वैसे ही। तो आज कुछ भी खाने का मन नहीं था, अभी हरे हरे मटर लेके आए थे, ये सेब ले आई क्योंकि और भी फ्रूट केला वगैरह खाता नहीं है सौंपने। और ये मेरी फेवरेट फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, मटर और धनिया पत्ता, आलू और प्याज उधर रख दिया। और इधर मैंने, आज मैं बना रही हूँ नमकीन चावल। और मैं जब नमकीन चावल बनाती हूँ तो मैं बताऊँ, मैं तो कुछ भी खा लेंगे, हमारा तो कुछ नहीं है। और आजकल जो आलू आता है नया वाला, उसमें कितना किरकिर सी आवाज़ आती है, आप लोगों को भी लगती है ये किरकिर से चीर क्या, आप लोग बताना। वहाँ आलू रखे थे ना, तो किरकिराहट सी हो रही है, अभी हो ही रही है। तो इधर ये देखिए सोयाबीन मैंने भिगो के और उसको फ्राई कर ली। और अब मैं इधर, मैंने चावल भी जरा रख दी हूँ, आज मेरा भी थोड़ा कम खाना खाने का मन था। और स्वप्निल ने बोला कि मम्मी पेट में ऐसा लग रहा है कि भरा भरा सा खाना, पता नहीं या तो दिन छोटा होता है या तो बैठ के पढ़ता है लाइब्रेरी में इतना टाइम, दोनों चीज़ हो सकता। उसका मैं क्या बोलूँ, जब से मैं गली में जो पार्टी हुई थी, जब से मैंने खाना खाई मैं आपको बता नहीं सकती मेरे क्या हो गया पेट में, मतलब एक हो जाए डेढ़ बज जाए भूख नहीं लगती। और इतना सा मैं चावल खाती हूँ दिन में, और ये तो है नहीं कि पूरा दिन कुछ ना कुछ भकोसती रहती हूँ, पता नहीं क्या ही हो गया है बिल्कुल खाना का। आज भी शाम को देखो, दिन में जो खाई थी मैं वही खाए हुए हूँ, कुछ भी नहीं खाई, तो बस कुछ मन ही नहीं था। और मैंने कहा चल नमकीन चावल बना लेती हूँ, तो वो कुकर में डाल के जो बनाते हैं ना वो वाला नहीं खाता है, तो इसीलिए मैं इधर चावल चढ़ा दी। पहले चावल बना लेती हूँ, फिर तब तक ये सोयाबीन भी हमारा फ्राई हो गया। गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ क्योंकि
इसको काटने में मैं मटर, गोभी, सोयाबीन की मतलब जो भिगोया हुआ है वो भी स्वप्निल नहीं खाएगा, तो इसके लिए मैं इतना फूल डाल दूँ बस, अपने लिए छांट के निकालूँ। क्या हुआ सर? से कुत्ते की पिल्ली दब गया किसी गाड़ी के नीचे। ये सब क्या करता है ना, गाड़ी के बीच में आके सो जाता है। इसकी एक मैं देखती हूँ। क्या हुआ? इसके पैर दब गए, इसके पैर दब गए, इसके पैर दब गए, इसके पैर दब गए। छोटे वाले है ना, कट हो रही है। देखो अब तो खैर नहीं, ये देखो वो उसके नीचे चला गया भाई रे। ऐसा तहलका मच गया पूरा। देखो ऐसे ही भागते रहेंगे गली में तो किसी कोई भी गाड़ी आएगा तो दबाएगा कि नहीं बताऊं। इस सारे गाड़ियों के पीछे आज देखो ऐसे ही गली में छिछियाते रहते हैं ये सब, छिछिए लहा से। लड़ाई कर रहे हैं क्या दोनों? तो जी सच्ची में कुत्ते का बच्चा का पैर दब चुका। अभी देखिए अभी तक कोई भी अब गाड़ी आएगा ना जीना हराम कर देंगे ये लोग। ये क्या करते हैं ना, इधर से उधर जो भागते हैं ना इसी में ये दब जाते हैं। करीब मैं अगर होगा तो देखूंगी, क्योंकि इधर नहीं आ पाते। अभी गाड़ी सब खड़ी है ना उधर, उसके नीचे ही रहते हैं कुत्ते के बच्चे, तो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। वैसे इनका क्या है ना, कितने मेरे ख्याल से ना 20 बच्चे हैं, 20 चार लोगों का है, तो 20 है, तो इसमें समझ लो कि आप बचेंगे कितना, 3 या 4 इतना ही बच पाएंगे इन लोगों का। अभी देख लिए ना आप लोग खुद ही, मतलब आपको मैंने वीडियो में दिखाई ऐसे ही करते हैं, बीच रोड पे भागते रहते हैं। गाड़ी आती गाड़ी के नीचे आ जाता है तो लोगों की क्या गलती है। तो बस ये मैं सब कुछ काट वाट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। देखो आज जीना मुश्किल है भाई। और मटर दोनों साथ में डाल देती हूँ। ये मैंने गोभी और मटर डाली, मैं 5 मिनट को खुले आंच पे और पका लेती हूँ। उसके बाद मसाला में डालूंगी तो थोड़ा सा कच्चा बन जाएगा तो बनी रहूँ। और मैं सबसे लास्ट में सोयाबीन से डालूँगी, सोयाबीन पानी पानी जैसा नहीं करना चाहिए, अच्छा लगता है खाने में। जी जब तक मैंने इधर की सारी की फ्राई हो रहा था मेरा, तब तक अगर आपको दिख रहा होगा स्लैब वगैरह, ये मेरा फोन, मैं स्लैब वगैरह की साफ करती गई, क्योंकि इधर काम करती है ठंड का मौसम है, अगर थोड़ा देर हो जाए ना आलस सा हो जाता है। मैंने साथ साथ करती जा रही हूँ मेरा वो भी तब तक अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसमें पूरे छोटे छोटे टिंगे होती हैं वो भी, और ये फ्राई मैं इसमें हल्दी नहीं डाल रही हूँ। और ये देखिए मैंने चावल इस प्लेट में निकाल के रखी हूँ, तब तक अच्छे से ठंडा हो जाए और चिपका ना रहे, खुल जाए। जो भी है मेरे पास दूसरा वाली चावल भी, लेकिन ये सोच नहीं खाता वो चावल जो होता है ना, ये पक्का वाला चावल लंबा बनता है, वो बोलता है क्या मुझे ऐसे मुँह में खराब सी लगती है, इसलिए मैं नहीं डाल दूँगा। इसमें मैं नमक और मिर्ची पाउडर डाली, इतना लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं थोड़ी सी दालचीनी पाउडर डाली, थोड़ा सा ना साही वाला स्वाद आ जाएगा, साही वाला ये डाली मैंने। और मैं क्या डाल सकता था, थोड़ी सी मैं ऐसे करती रहती हूँ, जो भी मेरे पास मसाला होता है अभी करना जरूरी नहीं कि सांभर का मसाला है तो सांभर नहीं डालेगा, नहीं आधा चम्मच मैंने डाल, बस थोड़ा सा खाने का स्वाद आ जाए उसका स्वाद। मैं कभी कभी जो भी मेरे पास होता है मान लो मसाला ठीक है चावल फ्राई होता है सब थोड़ा डालती रहती हूँ, तो ये इसको कर देते हैं। अब मैं इसको डालू सोयाबीन, क्योंकि हमारा पूरा फ्राई हो चुका है, देखिए सोयाबीन पूरा मसाला मिक्स हो जाना चाहिए अच्छे से। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें आधा से ज़्यादा हमारा सब्जी हो गया है ना, अच्छे से धीरे धीरे मिक्स करते जा रहे हैं, मिक्स करके फिर खाते हैं। जी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, क्योंकि मैंने हल्दी नहीं डाली तो पीला नहीं दिख रहा है। और मेरा चावल भी ये बासमती का टुकड़ा है, इसलिए छोटा छोटा आप लोगों को दिख रहा होगा, तो जो भी स्वाद अच्छा होना चाहिए। और मैं इसके ऊपर से धनिया पत्ता डालूंगी काट कर, थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि ऊपर से स्वप्न को पसंद नहीं और खाना हम दोनों को ही है। तो कैसी लगी मेरी ये आप लोगों को वीडियो रेसिपी, आप लोग कमेंट कर जो आप लोगों का कुछ भी कभी नहीं मन करे खाना बनाने का ये बना लो आराम से, इसमें सब्जी भी आ जाती है, इसमें प्याज वो सब कुछ टेस्ट आ जाता है, और दही के साथ खा लो, दही के साथ खाना ऐसे खाना ऐसे खा लो, दही के साथ ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ठीक है जी अब मिलते हैं हम सुबह, क्योंकि इस वीडियो को अभी के लिए यही कर देती। और स्लैब वगैरह देखिए मैंने चमका ही रखी हूँ, थोड़ी सी एक दो बर्तन मैं नहीं मांज रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है, और सारे चावल भी नहीं डाली इसमें बचा दी, मुझे ज़्यादा लग रहा था क्योंकि सोयाबीन बरी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था। ये धनिया पत्ता मैं धुल के रखी हूँ और इसको अब काट के इस पर डाल दूँगी। तो ठीक है जी अब सब मन करेगा तो नींबू निचोड़ लेंगे, जो भी होगा धनिया पत्ता चटनी भी है, तो सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बन चुका है
जो मैं इतने देर से आप लोगों को दिखा रही थी वो हमारा बन चुका है। टाणा प्याज गोभी जो भी है थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी हूँ और थोड़ी है इसमें बड़ी बची हुई, तो मैंने दिखाने के लिए इसमें डाल दी। अभी हम लोग सौपनी बस आ गया है, हम लोग खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं सुबह में।